नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की खूब कोशिश की। कांग्रेस अपने स्थापना दिवस पर भी पूरे देश भर में मार्च करती हुई नजर आई। इसी कड़ी में मुंबई से लेकर जयपुर तक सड़कों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर आए। संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली में प्रदर्शन करती हुई नजर आई, जबकि राहुल गांधी गुवाहाटी पहुंचे और लखनऊ में मोर्चा संभाला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने जमकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की दूसरी विपक्षी पार्टियां कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो डर रही हैं, हमको अकेले ही लड़ना है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम किसी से नहीं डरेंगे। प्रियंका ने यह भी कहा कि कांग्रेस प्रदेश को मजबूत बनाएगी, देश के लिए मिसाल इस प्रदेश को बनाया जाएगा। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश खतरे में है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि हमने राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा को भी देखा, छात्र और युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश और केंद्र सरकार इन छात्रों का मजाक बना रही है। साथ ही पूरे देश भर में भय का माहौल फैलाया जा रहा है। हरदोई के आर्य कन्या स्कूल के शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने आए नोएडा से बीजेपी के विधायक पंकज सिंह ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि देश की प्रगति राहुल गांधी से पच नहीं रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश के हित में है। पंकज सिंह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया, अब इन पार्टियों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस को तो जो एनपीआर के विषय में जो उन्होंने 2011 में उनके ही नेताओं ने जो वक्तव्य दिए थे, सबसे पहले उसको देखना चाहिए और उस पर जवाब देना चाहिए। इसीलिए इससे ज़्यादा और मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ख्याल से उनको देश की प्रगति शायद दिख भी नहीं रही है और पच भी नहीं रही है। आज देश निरंतर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त कदम से बेहद भयभीत है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य इनपुट्स को भी आधार बनाकर तस्वीरें और होर्डिंग चस्पा कर दी गई है। साथ ही उपद्रवियों से वसूली के नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसी सख्ती का असर है कि बुलंदशहर में लोगों ने बतौर क्षतिपूर्ति 6 लाख रुपए डीएम कार्यालय में जमा करवाए। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।